एवरीवन, हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। सो आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ गुड वाइब्स डेड सी मड पाउडर का रिव्यू एंड डेमो प्लस स्किन केयर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर इसकी पैकेजिंग की बात करें तो इसकी पैकेजिंग लाइक अ प्लास्टिक टब विद गोल्डन लिड वाली पैकेजिंग है। और अगर हम बात करें गुड वाइब्स ब्रांड की तो ये एक इंडियन ब्रांड है और अवेलेबल है purplebeauty.com पर। और आजकल तो मैंने इसको फ्लिपकार्ट पर भी देखा है, बट आप purplebeauty.com से ख़रीदना, आपको वहाँ पर बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस है 150 रुपीज़, बट मुझे डिस्काउंट पे मिला था तो मुझे ये मिला 90 रुपीज़ में। एंड क्वांटिटी है इसकी 40 ग्राम्स की। तो गाइस, बाकी सारी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले हम देख लेते हैं कि इसको कैसे आप बना के अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको लेना है एक क्लीन बाउल एंड स्पून। फिर यहाँ पे मैं ये वाला पाउडर यूज़ कर रही हूँ आज के फेस पैक के लिए। सो मैंने यहाँ पे लिया है 1 स्पून एंड थोड़ा सा और मैंने लिया है 1/2 स्पून टाइप। ज़्यादा मैं नहीं बनाती हूँ, मुझे जितना लगाना होता है मैं उतना ही बनाती हूँ। देन आई हैव एडेड सम रोज़ वाटर। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप यहाँ पर कर्ड का यूज़ कर सकते हो, ऐसा इन्होंने मेंशन करा हुआ है। बट अभी मैं इसको अप्लाई करूँगी और फिर मैं आपको और भी इसका रिव्यू ऑनेस्ट वाला मैं दूँगी। तो ये हमारा एकदम तैयार हो गया, अब हम यहाँ पे करेंगे स्टार्ट। सो बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कैसे, इसके पहले क्या करना है, इसके पहले क्या करना है, तो इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग से बता देती हूँ। पहले आपको अपने फेस को वॉश कर लेना है विथ योर फेवरेट क्लींजर, और जो भी आप क्लींजर यूज़ करते हो, फेस वॉश यूज़ करते हो, देन डायरेक्टली यू हैव टू अप्लाई दिस। अगर आपका स्क्रब करने का मन है देन फेस वॉश स्क्रब, देन यू हैव टू यूज़ दिस। ओके गाइस, तो मैं अब इसके बारे में आपको कुछ और चीज़ें बता देती हूँ जब तक मैं ये फेस पैक लगा रही हूँ। यूजेस की बात करें तो ये आपके हेयर एंड स्किन के लिए, बट मैंने आज तक इसको हेयर पे ट्राई नहीं करा है क्योंकि इसकी क्वांटिटी इतनी कम है ना कि अगर आप एक बार अपने लंबे बालों में लगाओगे, अभी फ़िलहाल मेरे हेयर छोटे, जब मैंने इसको ख़रीदा था तो मेरे बाल उस टाइम लंबे थे, अगर आप एक बार लगाओगे तो आपका ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए ट्राई करना कि आप अपने फेस के लिए इसको यूज़ करो। स्पेशलिटी की बात करें तो ये पैराबेन फ्री है, सल्फर फ्री एंड क्रुएल्टी फ्री है। ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे इस डेड सी मड पाउडर की और पैक की बोल सकते हो आप। इंग्रेडिएंट्स की अगर बात करें तो इसमें इन्होंने मेंशन करा है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ डेड सी मड पाउडर है, यानी कि 100% नेचुरल है अकॉर्डिंग टू देम। सो गाइज, अब मैं बता देती हूँ कि ये क्या क्लेम करते हैं, मतलब ये ब्रांड क्या क्लेम करती है। ये क्लेम करते हैं कि ये गुड फॉर एक्ने एंड ब्रेकआउट्स के लिए है और आपके स्किन को टाइटनिंग करने में भी बहुत हेल्प करता है। आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है, इंस्टेंट ग्लो प्रोवाइड करता है और हेल्प्स करता है टू ट्रीट ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, रिंकल एंड स्मूदन करता है आपके स्किन को और नरिश भी रखता है। सो मैंने अभी तक इसको 3 से 4 बार यूज़ करा और मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू आपको बता देती हूँ कि मेरे हिसाब से अगर आपकी ऑयली स्किन है ना तो आपके लिए बेस्ट है। और वो कहते हैं कि अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप कर्ड का यूज़ कर सकते हो। मे भी, क्योंकि मेरी ड्राई स्किन तो है नहीं, बट मैं आपको एक बार बता दूँ, मेरी खुद की ऑयली स्किन है और मैं जब ये यूज़ करती हूँ तो मुझे एज इट इज़ लाइक फील होता है कि थोड़ी सी मेरी स्किन ड्राई हो गई है। एंड गाइज, आफ्टर यूजिंग दिस आई जस्ट फील लाइक मेरी स्किन को इंस्टेंट ग्लो प्रोवाइड हो गई है। इसको यूज़ करने से बहुत ही डीपली क्लेंस कर देता है मेरी स्किन को ये डेड सी मड फेस पैक। और इसको यूज़ करते हूँ जब मैं अल्टरनेट डेज पे ना, तो मेरे जो एक्ने और ब्रेकआउट निकले रहते हैं वो बहुत हद तक सूख जाते हैं, यानी कि मुझे उनसे रिलीफ मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं बता देती हूँ वीडियो में कि आपको ये 10 to 15 minutes तक के ही लिए रखना है। देन जब ये ड्राई हो जाए तो आप थोड़ा सा अपने हाथ में ना गाइस पानी लो, मतलब थोड़ा सा इसको वेट कर लो और जस्ट मसाज कर लो अपने पूरे फेस को। क्योंकि मैं इस वीडियो में ये भी बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि फिर क्या करना है इस वजह से। एंड इसी बात पे प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो थोड़ी देर मसाज करने से क्या होगा ना कि मतलब आपका अच्छा सा मसाज भी हो जाएगा आपकी स्किन की, एंड जो पूरा लगा रहता है, ड्राई हुआ रहता है, वो भी बहुत अच्छे से निकल जाता है। सो गाइज, मैंने यहाँ पे अपने फेस को वॉश कर लिया एंड एज यू कैन सी बहुत ही क्लीन कर दिया इसने मेरे फेस को और बहुत ही इंस्टेंट ग्लो भी प्रोवाइड करता है ये फेस पैक। तो अगर आपकी ऑयली स्किन है, मेरी ड्राई स्किन नहीं है तो मैं नहीं आपको उतने अच्छे से बता सकती, बट अगर आपकी ऑयली स्किन है तो डेफिनेटली आप इसको ट्राई कर सकते हो। और अगर आपको ब्रेकआउट्स की प्रॉब्लम है तो भी आप इसको ट्राई कर सकते हो।
सो गाइज आफ्टर वॉशिंग माई फेस यहाँ पे मैं टोनर का यूज़ कर रही हूँ. आप फेस मिस्ट भी यूज़ कर सकते हो, रोज़ वाटर का भी यूज़ कर सकते हो. एंड देन आई एम यूजिंग दिस ऑन माई फेस लाइक इन टैपिंग फॉर्म में, और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं इसको टोनर को भी लगा लूँगी. मैं टोनर कभी स्किप नहीं करती हूँ, एंड आई सजेस्ट यू कि आप CTM कभी स्किप मत करा करो. सो मैं इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे एल्स गुडनेस का एलो सीरम यूज़ कर रही हूँ, एलोवेरा वाला, और ये ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है. एंड आफ्टर यूजिंग फेस पैक ना मुझे सीरम का यूज़ करना बहुत पसंद है, और फिर उससे मैं थोड़ी देर तक अपने जो फेस है उसको अच्छे से मसाज कर लेती हूँ. सो डैट बहुत ही अच्छा फील होता है, एंड जो आपके फेस की जो ब्लड सर्कुलेशन होती है ना वो भी काफ़ी अच्छे से होती है, तो वो ज़्यादा you know, आपके फेस को रिलीफ देता है, आपके फेस को कूल डाउन करता है. एज़ वेल एज़ जब ब्लड you know, सर्कुलेट होगा आपके फेस का, तो आपके फेस पे ऑटोमेटिकली ग्लो आएगा. हम यहाँ ग्लो की बात कर रहे हैं, ब्राइटनेस और फेयरनेस की बिल्कुल नहीं. मेक श्योर डैट मैं यहाँ पे ग्लो की बात कर रही हूँ. सो तकरीबन 1 से 2 मिनट तक मैंने सीरम को अपने फेस पे मसाज करा है बहुत ही अच्छे से, काफ़ी अच्छे से. सो गाइज आफ्टर मसाजिंग माई फेस हेयर आई एम यूजिंग दिस जेल, क्योंकि मेरी अगेन मैं आपको बता देती हूँ ऑयली स्किन है, सो मैं यहाँ पे जेल का यूज़ कर रही हूँ. अगर आपकी ड्राई स्किन है ना तो आप कोई हैवी बेस क्रीम का भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे जेल का यूज़ कर रही हूँ. एंड अगेन आई जस्ट लाइक टू मसाज माय फेस जब भी मैं कोई फेस पैक लगाती हूँ, और मैं अल्टरनेट डेज पे ही फेस पैक लगाती हूँ, या फिर हफ्ते में एक बार, कभी कभी 2 बार, उससे ज़्यादा नहीं लगाती हूँ. एंड आई सजेस्ट यू टू डोंट यूज़ इट डेली बेसिस पे, मतलब मत यूज़ करना इस फेस पैक को अगर आपकी ड्राई स्किन है. अगर ऑयली स्किन है ना तब भी मत यूज़ करना डेली बेसिस पे, हफ्ते में 1 बार 2 बार या 3 बार, उससे ज़्यादा नहीं. एंड गाइज मैं दिन के टाइम पे मैंने ये फेस पैक लगाया, तो मैं यहाँ पे मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन कर रही हूँ, और मैंने यहाँ पे सनस्क्रीन का यूज़ करा है. बट अगर आप नाइट टाइम पे ये कर रहे हो तो आपको सिंपली अपना नाइट क्रीम यूज़ कर लेना है. सो गाइज़ यहाँ पे हमारे ये स्किन केयर स्टेप भी ख़त्म होता है. एंड अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या मैं इसको दोबारा से परचेस करूँगी, तो या डेफिनेटली बिकॉज माई स्किन इज़ ऑयली, और कभी कभी मुझे ऑयली स्किन टाइप की वजह से मुझे ब्रेकआउट्स एंड पिंपल की प्रॉब्लम हो जाती है, सो मैं इसको वापस से खरीदूँगी. बट ड्राई स्किन आई एम सो सॉरी, बिकॉज मेरी ड्राई स्किन नहीं है, सो मैं नहीं बता सकती ये कैसा है. वीडियो पसंद आई हो तो देन प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, बताना ये कैसी लगी इस टाइप की वीडियो. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.